टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड। सो हे टेकीज, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको प्रोसेसर एकदम अल्ट्रा प्रीमियम लेवल का देखने को मिल जाएगा, कैमरे की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है और लॉन्ग गेमिंग सेशन के लिए इन स्मार्टफोन में आपको बिग बैटरीज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई सा एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे हेवी गेमिंग करने के लिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए या फिर गेम लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। वैसे बेस्ट तो टेकबिज का सब्सक्राइब बटन भी है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो एज 30 प्रो। ये हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, जहां पे आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला सबसे ज्यादा लेटेस्ट और पावरफुल प्रोसेसर है। बात कर लेते हैं मोटो एज 30 प्रो के स्पेक्स की। इसमें आपको मिल जाती है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED 10-bit डिस्प्ले, HDR 10 प्लस वाली डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कोई भी आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला एक फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे आता है, 13 5G बैंड्स मिल जाती है, एंडिनो का 730 वाला GPU है, 4800mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 68W के फास्ट टर्बो चार्जिंग को, ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में भी आपको 60 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, 8K तक आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लो लाइट ऑटो फोकस डुअल कैप्चर और लाइव फिल्टर जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP52 का वाटर रिपेलेंट वाला डिजाइन है, थिंकसिल की सिक्योरिटी है, LPDDR5 की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, और अगर बात करें प्राइसिंग की तो 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 49,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है iQOO की तरफ से iQOO 9 Pro। iQOO 7 Legend का ये अपग्रेडेड वर्जन है, जहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड कैमरे की क्वालिटी के साथ साथ बहुत ही अच्छा अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर मिल जाता है। तो अगर आपको कोई सा एक बेस्ट 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए था, प्रीमियम लुक के साथ आने वाला, जहाँ पे कोई भी डाउन साइड ना हो, कोई भी कोन ना हो, तो आप एक बार इस स्मार्टफोन को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाती है 6.78 इंचेस की 2K 10-bit E5 AMOLED डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1500 nits की पीक ब्राइटनेस है, अल्ट्रासोनिक लार्ज फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला एक फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पे आता है और फ्रंट टच ओएस पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4700mAh की बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 120W के फास्ट चार्जिंग को, 50W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 16 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको अल्ट्रा स्मूथ 5x स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटोग्राफी मोड और प्रो स्पोर्ट्स मोड जैसे ऑप्शन भी हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर से 4GB तक आप एक्स्ट्रा रैम को वर्चुअली एक्सपैंड कर सकते हैं, LPDDR5 की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, और अगर बात करें प्राइसिंग की तो 8GB रैम प्लस 256GB रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 64,990 रुपीज में। तो दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है ASUS की तरफ से ASUS ROG Phone 5S Pro। तो अगर आपको 18GB तक की रैम चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो जो कि गेमिंग लुक के साथ आए, ओरा RGB का सपोर्ट हो, बिग बैटरी मिल जाए, डिस्प्ले की क्वालिटी टॉप नॉच हो, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हो, तो आप एक बार जरूर इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, जहां पे आप लाइव गेमिंग कर सकते हैं, हेवी गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बात कर लेते हैं स्पेक्स की, तो इसमें आपको मिल जाती है 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एक सैमसंग की E4 AMOLED डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, 9.90mm की थिकनेस और 238 ग्राम वेट है, यानी कि स्मार्टफोन थोड़ा सा हेवी होने वाला है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 प्लस वाला एक फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पे आता है और ROG UI पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा, 6000mAh की बैटरी जो कि स्प्लिट बैटरी टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, 3000+3000mAh की डुअल बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 65W के फास्ट चार्जिंग को, ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिल जाता है, सेंसर दिया गया है सोनी का IMX686 वाला, दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर और तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है, 8K तक आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, 24 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको ओरा RGB लाइटिंग देखने को मिल जाएगी, हाइपर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है, एरो एक्टिव कूल
कूलर 5 का सपोर्ट है, एयर ट्रिगर 5 है फॉर कंसोल लाइक गेमिंग, फ्रंट फेसिंग स्टूडियो स्पीकर है ताकि आपका हियरिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच रहे। क्वाड माइक्रोफोन मिलता है जहां पे आपको आसूस का नॉइज डिटेक्शन भी मिल जाता है। LPDDR5 की रैम है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, और अगर बात करें प्राइसिंग की तो 18GB रैम प्लस 512GB रोम वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा 79,999 रुपीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर सेकंड पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस। इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुआ है, S22 अल्ट्रा को भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर वो जो है ना कर्व डिस्प्ले के साथ आता है तो कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है और गेमिंग करते वक्त अनवांटेड टचेस भी ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको एक प्रॉपर सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए था विद बेस्ट प्रोसेसर जहां पे आपको गेमिंग करनी है तो आप एक बार S22 प्लस को ले सकते हैं, जहां पे आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि आपको गेमिंग में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको मिल जाती है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, इन्फिनिटी ओ वाली डिस्प्ले है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR 10 प्लस वाली डिस्प्ले है और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट है, आर्मर एल्यूमिनियम की फ्रेम मिल जाती है 7.6mm की थिकनेस से। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला एक फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर जो कि 4nm के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पे आता है और UI 4 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 45W के फास्ट चार्जिंग को। ट्रिपल कैमरा सपोर्ट है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 50MP का है, दूसरा कैमरा 10MP का टेलीफोटो जूम लेंस और तीसरा कैमरा 12MP का अल्ट्रा वाइड शूटर है। फ्रंट में भी आपको 10MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी है। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 8K तक वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, सुपर स्लो मोशन पे वीडियोस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, सिंगल टेक नाइट फोटोग्राफी जैसे ऑप्शन है, IP68 का वाटर रेजिस्टेंट वाला डिजाइन है, सैमसंग पे है नॉक्स की सिक्योरिटी है, LPDDR5 की रैम है और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो 8+128GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 84,999 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है एप्पल की तरफ से iPhone 13 Pro Max। जितने भी कॉम्पिटिटिव प्लेयर हैं, जितने भी आपको यूट्यूबर्स देखने को मिल जाएगा उनमें से ज्यादातर आपको आईफोन यूजर्स ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आईफोन है ना गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको मक्खन स्मूथ गेमिंग देखने को मिल जाती है और साथ में कैमरे की क्वालिटी भी टॉप नॉच फ्लैगशिप लेवल की रहती है। बात कर लेते हैं iPhone 13 Pro Max के स्पेक्स की, तो इसमें आपको मिल जाती है 6.7 इंचेस की सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले है जहाँ पे आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है 120Hz का, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, फेस आईडी का सपोर्ट है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो इसमें आपको एप्पल का A15 बायनिक चिप मिल जाती है, 4352mAh की बैटरी है और आपको इनबॉक्स कोई भी चार्जिंग अडाप्टर नहीं मिलता है, अलग से आप मैक्सेफ को परचेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से प्राइमरी कैमरा 12MP का है, दूसरा कैमरा 12MP का अल्ट्रा वाइड शूटर और तीसरा कैमरा भी 12MP का टेलीफोटो जूम लेंस है। फ्रंट में भी आपको 12MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। बात करें अगर इस स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इसमें आपको मिल जाता है लाइडर स्कैनर, डुअल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है, सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है, 4K तक आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, IP68 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अगर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो इसका हायर वेरिएंट 256GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 1,39,900 रुपीज में। तो दोस्तों ये तो थे हमारी लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड, और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।